बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मोहम्मद नमान कयूम। तुसी देखते पे हो गंधारा हिंडको टीवी। आज दी ताज़ा खबरां। मलेशिया दे वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद आज 3 रोज़ा दौरे ते पाकिस्तान पहुंच सुन, जिथे वो वज़ीर आज़म इमरान खान समेत दीगर आला हुकाम नाल मुलाकात कर सुन। महातीर मोहम्मद 23 मार्च की परेड के मेहमान खसूसी भी हो सुन। वो वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत से पाकिस्तान आते पे। आसिफ अली जरदारी ते बिलावल भुट्टो जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग केस विच नैब दे सामने पेश होए, जिथे नैब ने 2 घंटे इन्हां से तफ्तीश की थी। जबकि इस मौके ते पीपीपी दे मुश्तैल कारकुना ते पुलिस की झड़प भी हुई, जिस दे बाद दर्जना कारकुना नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों सियासी रहनुमावां ने मनी लॉन्ड्रिंग केस विच नैब रावलपिंडी नूं अपना बयान रिकॉर्ड कराया ते नैब ने इन्हां से 2 घंटे तक तफ्तीश की थी। बिलावल भुट्टो ते आसिफ जरदारी के जवाब की रोशनी उन्होंने दोबारा बुलाने का फैसला किया जा सी। वजीर आजम न्यूजीलैंड जसेंडा आर्डन ने मुल्क की नीम खुदकार हथियारों से पाबंदी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए किया कि फौजी तर्ज के खुदकार असले से मुकम्मल पाबंदी हो सी, शहरियों से खुदकार हथियार वापस लेते जा सन। मसीतों के हमले ऑटोमैटिक सीमी ऑटोमैटिक असला इस्तेमाल किया गया है। कानून साजी तक असला खरीदारी रोकने वास्ते अबूरी इकदाम किया गया है। उन्होंने किया कि असले से मुतालिक इस्लाहात आवाम दे मुफाद चुन। We'll ban all parts with the ability to convert semi-automatic or any other type of firearm into a military-style semi-automatic weapon. We will ban parts that cause a firearm to generate semi-automatic, automatic, or close to automatic gunfire. In short, every semi-automatic weapon used in the terrorist attack on Friday will be banned in this country. वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ते गवर्नर शाह फरमान दे ज़ेरे सदारत ज़िम शुदा इजलास मौसलाती वसाइल दे हवाले नाल अहम इजलास इस्लामाबाद इस मुनक़िद होया है। इजलास इस मौसलाती मसाइल दे हल वसे जामे हिकमत अमली ते तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला ने ज़िम शुदा इजलास दी तरक्की ते फलाह वसे हकूमती अज़म दा इजहार किया है। गंधारा हिंडको अकैडमी के कंप्यूटर्स एंड आईटी विंग के तहत भरपूर तरीके से 2 नवी एंड्रॉयड ऐप्स तकमील के मराहल चुन। इन्हों चो एक ऐप बच्चों वास्ते खेड खेड इच हिंडको सीखने का जरिया बन सी, जबकि दूसरी ऐप हिंडको लुगत है, जबकि दूसरी ऐप हिंडको उर्दू लुगत है। सस्ते तरीन ते महंगे तरीन शहरां दी एक हालिया दर्जाबंदी च रोशनिया दे शहर कराची नूं दुनिया दा 6वां सस्ता तरीन शहर करार दिता गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने शहरां दे सालाना इंडेक्स दी तैयारी तारगीने वतन ते कारोबार वसे सफर करने वालियों वसे की है। दुनिया भर से 133 शहरां च किए गए सर्वे च 160 शहरां दा मवाजना किया गया है, जिन्हां च खाना पीना ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी बिल्स ते किराया शामिल हन, जिन्हां च कराची 6वें नंबर ते आया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने किया है कि PSL 4 का बेहतरीन इनकाद साड़ी सारियां की कामयाबी है। वो दिन दूर नहीं गा जद मुल्क इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट हो सुन। उन्होंने किया है कि मुस्तकबिल पाकिस्तान क्रिकेट मजीद कामयाबियां हासिल कर सी। आपने दौर के अजीम ते ऑलराउंडर खिलाड़ी वसीम अक्रम ने किया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की राह खुल दी पईन। गैर मुल्की खिलाड़ियों का कराची आना मुस्बित पेशरफ्त है। टीसी कैंडलर की तरफ से दुनिया के 100 खूबसूरत ते पुरकशिश शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसे अदाकार फवाद खान ते मायरा खान समेत 4 पाकिस्तानियों को भी नामजद किया गया है। टीसी कैंडलर की तरफ से हर साल दुनिया भर से 100 खूबसूरत ते पुरकशिश चेहरिया की फहरिस्त जारी की जाती है। इस साल भी टीसी कैंडलर ने साल 2019 की फहरिस्त जारी की है, जिसे पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान, मायरा खान, इमरान अब्बास ते गुलकारा मुमना मुस्तहसिन खूबसूरत चेहरिया वास्ते नामजद किया गया है। इस दे नाल ही अज दी खबरां खत्म हुई। नवी खबरां नाल वात हाजिर हो सी। अल्लाह हाफिज। तो